नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम मोहरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको महुए की पूरी भी बोल सकते हैं। तो ये महुए को हमने धो लिया है अच्छे से 2-3 पानी से, और 1 घंटे के लिए इसी तरीके से रख दिया था ताकि अच्छे से फूल जाए, और ये आटा लिया है। चलिए आगे की प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम इसको महुए को इसमें डाल देंगे अच्छे से। ये देखिए महुए को हमने अच्छे से पीस लिया है, इसको बिल्कुल महीन पीस लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करा है, इसमें ज्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि इसको ज्यादा गीला नहीं चाहिए। अब चलिए हम आटा लगाना शुरू करते हैं। ये आटा है और हम इसमें डालेंगे ये महुए को जो हमने पीस करके तैयार किया था, इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे, पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो जो इसका मीठापन है तो वो फिर वो नहीं आएगा। जितना हमने आटा लिया था और जितना महुआ था उसमें से पूरा ये इसमें आ गया है, और पानी का यूज बिल्कुल नहीं किया है, पूरा महुआ से ही ये आटा लगा है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा इसमें तेल लगा देंगे। ये महुए की जो पूरी है ना, ये बारिश के मौसम में ही बनाई जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, और ये हड़ताली का तीज आ रही है इस पे तो ज्यादातर बनती है ये पूड़ियाँ। अब हम इसको ढक करके रख देंगे। 15 मिनट इसे हो गए हैं। अब हमारा ये आटा फोल्ड करके चेक करेंगे कि अच्छे से सीख हुआ है कि नहीं। इसको थोड़ी देर और मस लेंगे। ये थोड़ी देर हमने इसको मसल लिया है, और चलिए अब हम चलते हैं इसकी पूरियां बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए एक पीढ़ा ले लिया है, और इसमें ये आटा को तोड़ेंगे और इसकी लोइयां बना करके तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी लोइयों को बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इस तरीके से लोई को थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा सूखा आटा और लगाएंगे और इसकी पूरियां बेलेंगे। पकता है ये क्योंकि गीला हो जाता है, महुआ रहता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बेलना पड़ता है। थोड़ा सा सूखा आटा और लगाएंगे। और इस तरीके से बेलेंगे। ज्यादा इसको मोटी या ज्यादा पतली नहीं बेलना होता है, इसी तरीके से इतना ही इसको मोटा रखना है, ज्यादा मोटा पतला नहीं रखना है। चलिए इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को बेल करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये पूड़ियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। हमने इतनी पूड़ियाँ बना ली है। ये देखिए इतनी ही पतली रखना है, ज्यादा पतली है, ज्यादा मोटी नहीं रखना है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए गैस पे हमने तेल चढ़ा दिया है, और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डाल करके चेक करेंगे। ये देखिए आटा का टुकड़ा एकदम ऊपर आ गया है, इसका मतलब तेल हमारा परफेक्ट गर्म हो चुका है। हम इसमें एक पूरी डाल करके तलेंगे। ये देखिए हमारी पूरी तल गई है। इसी तरीके से हम सारी पूरियों को तल करके तैयार कर लेंगे। ये हमारी मोहरी बन करके तैयार है। ये पानी वाले अचार के साथ बहुत टेस्टी लगती है। पानी वाले अचार का वीडियो मैं इससे पहले बना चुकी हूँ, तो ये वीडियो के नीचे मैं इसकी लिंक दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि पानी वाला अचार किस तरीके से बनाया जाता है।